शुरू जिंदा खुदाए वाहद बरहक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ, मैं हूं आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमौन अशरफ मसीह, और मेरे साथ मौजूद हैं अफजाइश हक टीम के बहुत ही अहम रुकन भाई रहमान। सो आज हम बात करेंगे दी होली फायर पॉइंट चर्च के वाइस चेयरमैन पास्टर पीटर के साथ कि वो हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ इस तहरीक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि हक की आवाज़ अफजाइश हक की तहरीक इसका मौक़िफ़ जो है वो आप समझ सकें कि किस सिलसिले में ये तहरीक काम कर रही है। सो खुदांद आप सबको बरकत दे, आमीन। बात करेंगे खुदांद के खादम पास्टर पीटर साहब के साथ। हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ ये तहरीक जो काम कर रही है उन झूठे मसीही जादूगरों के ख़िलाफ़, उन झूठे मसीही आमलों के ख़िलाफ़ जो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पतरस मसीह हैं, ये आप देख सकते हैं पतरस मसीह, उल्लू के खूनी तवीज़ लिखवाएं। और साथ उन्होंने खुदामंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 23 की आयत मुबारका मेंशन की हुई है कि खुदामंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो मेरे अजीज़ो, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? अगर आप समझते हैं कि वाकई ये गलत कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहे, अब यहाँ पर देखें एक कमी रह गई थी जो यहाँ पे उन्होंने पूरी कर दी है, क्योंकि पाक सलीब भी उन्होंने साइन दे दिया, बाइबल मुकद्दस का साइन भी दे दिया, और इसी तरह से तस्वीर भी दे दी। अब ये एक रह गया था, ये उन्होंने कसर पूरी कर दी है। ये हैं जी मैजिक ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट पास्टर अनवर मसीह जलाली, अब ये पास्टर भी आ गए हैं, ठीक है। हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ इसी सिलसिले में जो है आवाज़ बुलंद की गई है। सो हम जानेंगे कि वो किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने चर्च की तरफ से, होली फायर पॉइंट की तरफ से, पास्टर काशिफ साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दावत दी है ताकि हम इस टॉपिक पर बात कर सकें जो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो अफजाइश हक एक बहुत ही अथेंटिक किस्म का चैनल है जो कि अपने ख़ास हकायक को लेकर आगे चल रहा है। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, और पास्टर शमौन साहब जो इसके चेयरमैन हैं उनके शुक्रगुजार हैं कि वो किसी बात को जो अथेंटिक किस्म के उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। तो मेरी दुआ है कि ये चैनल बहुत ही पायदार हो और सब लोग जो हैं इसको सराहें ताकि आगे जाकर ये मसीह कौम के लिए बहुत अच्छा नमूना बन जाए। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। सो भाई साहब एक और बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ इसका मौक़िफ़ तो आपने जान लिया और देखने और सुनने वालों की समझ में भी बात आ चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि तमाम खुदा के खादम जो हैं, चूँकि देखें ये खुदा का पाक कलाम है, बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा का कलाम खुदा ने सबसे पहले सुपुर्द किसके किया है? खादमों के, ठीक है जी। तो चूँकि खुदा के खादमों के सुपुर्द ये खुदा का कलाम किया गया है, तो हम खुदा के खादम होने की हैसियत से चूँकि कलीसियाओं को, लोगों को मैसेज देते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस जो है ये किताब हयात है, ये ज़िंदगी की किताब है, हम लोगों को बाइबल मुकद्दस के मतलब ये मैसेज दें, और साथ ही ये लोग उठ के लोगों के सामने इस तरह के साइन जो अपने एड्स पर ये दे देते हैं, और इससे लोगों को एक गलत मैसेज जो है वो मिल रहा है। और इस तहरीक के आगाज़ की एक ख़ास वजह जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ख़ास वजह ये भी है कि बहुत सारे हमारे मसीही लोग, मसीही बहनें और भाई, वो इस बात से परेशान हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि सवालों के जवाब हमें देना पड़ते हैं, हम इन लोगों में कारोबार करते हैं, हम इन लोगों में काम करते हैं, उठते बैठते हैं, हमसे सवाल किए जाते हैं कि जी ये आपकी बाइबल मुकद्दस जो है जिसके ऊपर आप ईमान रखते हैं और आप उसको इल्हामी मानते हैं, तो ये लोग बता रहे हैं कि हम इसके ज़रिए से काला इलम करते हैं, तो हमें तो ये मैसेज मिल रहा है। तो वो लोग परेशान हैं, तो जारी सी बात है हम खुदा के खादम हैं, हम फैमिलीज़ में जाते हैं, हम लोगों के घरों में जाते हैं, तो वो लोग हमसे सवाल करते हैं। तो हक की आवाज़ अफजाइश हक के साथ इस तहरीक की एक ख़ास और बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि लोगों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका हुआ है
तो इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि खुदा के खादमों को सबसे पहले जो है वो ये स्टेप लेना चाहिए। तो इस हवाले से सर, आप खुदा के खादम होने की हैसियत से अपने तमाम हम खिदमत भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं तो इस बात को तरजीह दूंगा कि जितने भी लोग खुदावंद की खिदमत में हैं वो अफजाइश हक में हिस्सा डालें, शामिल हों, ताकि ये जो हमने आवाज़ उठाई है ये सारी दुनिया के अंदर जाए, ताकि इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि हम सब खुदावंद के पैरोकार हैं और हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है जो ज़िंदा खुदा है। इसलिए तमाम डीकन्स, पास्टर साहबान, इसमें फादर साहबान भी आ जाते हैं, सिस्टर साहबात भी आ जाती हैं, और तमाम पास्टर साहबान जितने भी खिदमत में लोग हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। उन सब को चाहिए कि वो इस काम को जो हमने अफजाश हक के ज़रिए से लिया है, उठाया है, तो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करें ताकि इसको बंद किया जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सो एक और बात सर आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही भाई हैं, मसीही बहनें हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस तरह के लिखा हुआ है कि तुम जिंदा को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो? तो वो जिंदा खुदा को छोड़ के, जिसने उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया, तो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के, खुदा के खादमों को छोड़ के ऐसे झूठे आमलों और झूठे बाबों के पास जाते हैं और जाकर उनका ज़रिया माश बनते हैं, और उनका जो है वो रोज़ी रिज़क का पहिया जो है वो भी फिर ऐसे लोगों के ज़रिया से ही चलता रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को भी कोई मैसेज दें खुदा के खादम होने की हैसियत से कि बाइबल मुक़दस जो है वो ऐसे लोगों की किस तरह से रहनुमाई करती है। जी बाइबल मुक़दस जो है वो ऐसे लोगों के बारे में जो झूठे मसीही आमल हैं उनके बारे में बताती है कि ये लिखा है कि मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात पर हर एक को पसंद करने और घड़ने वाले बाहर रहेगा। तो ये जितने भी लोग हैं ये जो बुरे रास्तों पर लगे हुए हैं और दूसरों को लगा रहे हैं, ये खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो मेरी ये इन लोगों से गुजारिश है जो इन झूठे आमलों के पीछे लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि शायद यही उनके खुदा हैं और यही उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर ईमान लाना आपके लिए दोजख का सबब बनेगा। मेहरबानी होगी आपकी कि आप इन आमलों का पीछा छोड़ें और अपने ज़िंदा खुदा की पैरवी करें जिसने आपको बचाना है, जो आपकी निजात है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को ही अपना असली निजात दहिंदा तस्लीम करें। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। सर ये बताइएगा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं कि पाक सलीब को काले इलम के एड्स जो हैं उनके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो बड़ा करके लिखते हैं, और खसूसन मैं ये समझता हूँ कि वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इसलिए वो लिख रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये मसीही जादूगर हैं। तो सर ये जो एड्स बना रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप एक खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि हमारा मौक़िफ जो है वो कुछ और है, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोग जो ये एड्स दे रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं वो तौबा करें। हमारे मौक़िफ का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमारी तरफ से खुदा के खादम होने की हैसियत से हम ऐसे लोगों को तौबा की दावत देते हैं कि वो ख़ुद भी तौबा करें और लोगों की निजात का बायस भी बने। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपने धंधे पे अटके हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी सर आप बाइबल मुक़दस के मुताबिक क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी इसमें अखबार 22वां बाब और 30वीं और 32वीं आयत में लिखा है कि जो अंधा या शिकस्ता उज़ू या लूला हो या जिसके रसूली या खुजली या पपड़ियाँ हों, ऐसों को खुदावंद के हजूर ना चढ़ाना और ना मज़बा पर उनकी आतशी कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाना। ये
इनके लिए पैगाम है बाइबल मुकद्दस के हवाला से कि ऐसी कुर्बानियाँ इनके आगे ना चढ़ाएं। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो फिर आप बच नहीं पाएंगे और ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं और ऐसी कुर्बानियों पर यकीन ना करें। ये जब खामखा लोगों को उकसाते हैं कि ये कुर्बानी दें आप बच जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, ये कुर्बानी दें बकरा लेकर आएं या कोई और चीज़ करते हैं या फिर इतना ज़्यादा उनसे मुआवजा मांग लेते हैं, लेकिन वो मुआवजा और वो बकरे जो हैं वो आपको बचाएंगे नहीं। सिर्फ़ खुदावन यसु मसीह जो बरा है, पाक बरा है, वही आपको निजात दे सकता है, वही आपको बचा सकता है। उसी के पीछे चलें, उसी को फॉलो करें, वही आपका निजात का रास्ता है। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। अच्छा सर, आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारागोई करनी चाहिए? ज़रूर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ चारागोई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ खादमीन हैं और एक तरफ शैतानी काम हो रहा है। इसलिए दोनों कामों को इस दुनिया के अंदर तो नहीं होना चाहिए, एक काम ही होना चाहिए और वो खुदा के पीछे लोगों को लेकर जाना है। तो इसके लिए एक गीत भी है, अंजील का फैलाना ये काम हमारा है। तो अंजील का काम जो खादमीन हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ये इन आमलों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पंफलेट्स के पीछे स्लीब लगा लें और मसीह यसु की तस्वीर भी लगा देते हैं। ये सरासर गलत है और मैं इसके लिए इसकी मुखालफत करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये काम सिर्फ खादमीन का है, पास्टर साहबान का है और फादर साहबान का है जो कि मजहबी रहनुमा है, ये उनका काम है। ये आमलीन का, झूठे नबियों का कोई काम नहीं है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ सख्ती से नोटिस ले ताकि इसका कोई सदेबाब हो सके। जी बहुत शुक्रिया सुमेर अजीज़ो। ये थे खुदांग के खादम पास्टर पीटर, और जिन्होंने बड़ी ही हौसला अफजा गुफ्तगू की है। सो इन तमाम बातों को आप ज़ेर गौर रखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करने का मकसद ये है ताकि हमारी ये आवाज़ हक़ की आवाज़ अफजाइश हक़ के साथ अफसरान बाला तक पहुँचे, और जल्द अज़ जल्द जो है जिस तरह भाई साहब कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो इस बात का नोटिस ले। सो इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने घर में हर जगह आप कोशिश करें कि ज़रूर शेयर कीजिए। सो भाई साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। हक़ की आवाज़ अफजाइश हक़ के साथ हमारे साथ भाई रहमान हैं। सो हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे, खुदा में आप सब की सलामती हो, आमीन। अज़ीज़ो आखिर में मैं चाहूँगा कि हम सब खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर इस मकसद को दुआ में रखें, ताकि जो गुफ्तगू आज खुदा के खादमों ने हमसे की है उसके वसीला से बहुत से लोग जो हैं वो बरकत पाएँ और उनके दिलों और जहनों पर लगी हुई गिरा जो है वो खुदांद यसु मसीह के नाम से खुल जाए और खुदांद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। सो मैं चाहूँगा कि खुदांद के खादम पास्टर नईम इतमर साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। मसीह यसु में हमारे बुज़ुर्ग आसमानी आदल बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि खुदांद तूने सारे वक्त में अपनी अजीब कुदरत के साथ खुदावंद तूने मदद की और रहनुमाई की, और जो पैगाम आज रिकॉर्ड हुए हैं उनके वसीला से खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएँ, और खुदावंद तमाम जादूगरी के अमल से, घनौने फेल से महफूज रहें, और खुदावंद ये टीम जो अफजाइश हक़ के लिए काम कर रही है इसके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ किसे हक़ को फैलाने के लिए, हक़ की बढ़ोतरी के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए और बरकत दीजिए, और बाकी के सारे वक्त में साथ होना। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा ईमान के साथ पा लिया, आमीन।